हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी की बात करें तो सलार के बाद अगर प्रभास की अगर कोई मूवी आती है तो वो है प्रोजेक्ट के, जिसमें काफी बड़े बड़े कलाकार भी हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन। कल ही इस मूवी का एक ग्लिम्स भी रिलीज कर दिया जाता है जिसमें प्रभास एक विष्णु अवतार में दिखाई दे रहे हैं और उसमें वो एक कल्कि यानी कि विष्णु का जो दसवां अवतार है वो उसमें नजर आ रहा है। ये कल्कि अवतार आखिरकार किस तरीके से प्रकट होता है, इसके पीछे ये वजह है जब कलयुग घोर कलयुग की तरफ जाएगा यानी कि कलयुग में इतना ज्यादा विनाश होने लगेगा तब जाके विष्णु जी एक कल्कि अवतार लेंगे। विष्णु जी का जो दसवां अवतार है वो कल्कि है। इसमें प्रभास एज विष्णु अवतार में दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने टीजर में देखा होगा कि विष्णु जी की तस्वीर भी दिखाई जाती है। ये भी दिखाया जाता है कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके के कई सारे फ्रेम है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों, प्रभास की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से कमाल करती है, जैसा कि उनकी लास्ट तीन मूवी सुपर फ्लॉप रही है और बहुत ही ज्यादा बड़े बजट की मूवी रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय भारत।